ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हमारा विषय है कुंभ राशि वालों के लिए ये अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। कई प्रकार के योग जो इस महीने बनने वाले हैं, राहु के साथ सूर्य आने वाले हैं और वहीं बृहस्पति भी क्रु चांडाल योग बनाने वाले हैं, ये क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे। देखिए कुंभ राशि वालों, बड़ी मुश्किल से आपके जीवन में जो शनि महाराज हैं बहुत सुंदर स्थान में आए हैं। करीब करीब 30 साल बाद उन्होंने ऐसा योग बनाया है कि जो आपको उन्नति के योग देने वाले देने के अद्भुत योग बने, और बृहस्पति भी महाराज भी परिवर्तित होकर आपके लिए भाग्य जगाने के कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी एक विशेष प्रकार का योग बनने वाला है जो आपके कई कामों में अंकुश, कई कामों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। सूर्य परिवर्तित होकर आपके जा रहे हैं राहु के साथ, राहु चल रहे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से माना जाता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कार्य कैसे होता है पूर्ण, सबसे पहले कार्य को इनिशिएट यानी कार्य को आरंभ करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है, कार्य को शुरुआत करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। और वहां राहु चल रहे हैं, वहां सूर्य भी पदार्पण करने वाले हैं और वहां गुरु चांडाल योग भी बनने वाला है। इस तीसरे भाव में बड़ा इंपॉर्टेंट योग बनने वाला है। यह स्थान विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ऐसे में इन सब ग्रहों का एक साथ वहां इकट्ठा होना वो कई प्रकार से आपके जीवन में सही दिशा को पकड़ने में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने के योग होता है। 14 अप्रैल को सूर्य परिवर्तित होते हुए आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव में, आपकी राशि के अनुसार से, कुंभ राशि के हिसाब से वो तृतीय भाव में यानी आपकी मेष राशि में उच्च के होने जा रहे हैं वहां पर। लेकिन सूर्य बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं और समस्त सौर्यमंडल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान उनका है। राहु एक छाया ग्रह है और उसकी छाया नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, नैसर्गिक दृष्टि से सबसे शक्ति संपन्न उसकी छाया है। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रसित कर लेती, ग्रहण लगा देती है, इसलिए पाराशर इत्यादि मेथ में राहु को बहुत ही छाया, महत्वपूर्ण छाया ग्रह माना गया है, बहुत प्रभावशाली माना गया है, बड़ा शक्तिशाली प्रभाव उसका रहता है। ये योग राहु को आमतौर पर जब काया सूर्य के साथ आना ग्रहणकारी योग बन जा देता है और वहीं बृहस्पति के साथ आना गुरु चांडाल योग। 21 अप्रैल को बृहस्पति भी पदार्पण कर 12 वर्ष बाद आपके भाग्य को जगाने के लिए उस स्थान पर पहुंच रहे हैं, लेकिन राहु वहां चल रहा है और ऐसे में राहु का उपचार बहुत जरूरी है। सूर्य का वहां पहुंचना बड़ा इंपॉर्टेंट 14 तारीख को और 21 तारीख को बृहस्पति। 30 अगस्त विशेषतौर पर अक्टूबर तक राहु गुरु चांडाल योग बनेगा, उसका प्रभाव क्या होगा उसके लिए तो आपको समझ लेना चाहिए वो क्या कुछ करेगा। तीसरा भाव बृहस्पति जब तृतीय भाव में आते हैं कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव रहता है, पराक्रम को बढ़ाने के योग देते हैं, बुद्धि में नए विचार लाने के योग देते हैं, गुरु का वास्तविक स्वरूप वहां से उत्पन्न कर देते हैं। बड़े बड़े लोगों के कुंडली में जब गोचर में वहां पर प्रभाव उसका देखा जाता है बृहस्पति का तृतीय भाव में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। और वहीं पर उच्च के होकर सूर्य का आना पराक्रम में एक अद्भुत, तो समझे हमारी ग्रह गणना के अनुसार से दिखाई देता है कि राहु के साथ इन सब, वैसे तो तृतीय भाव में राहु भी अच्छा माना जाता है, तृतीय भाव विशेष तौर पे राहु का सबसे इंपॉर्टेंट, एकादशवां और तृतीय भाव का राहु अच्छा माना जाता है, लेकिन योग, ये योग जो बन रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दो विभिन्न प्रभाव के ग्रह, विभिन्न स्वभाव के ग्रह वहां पर एकत्र होने जा रहे हैं। ये जो स्वभाव की युति है, आमतौर पर बुद्धिमान जो लोग एक साथ इकट्ठे जाते हैं तो क्या होता है, एक साथ तो नहीं बैठते, वो विभिन्न दिशाओं में देखते हैं और यही ये द्वंद्वात्मक स्थिति है, विभिन्न दिशाओं में देखना, ये आपके लिए कष्ट के योग बना सकती है। तो ऐसे में बड़े सावधानी के साथ आपको काम करने की जरूरत दिखाई देती है। कुछ दिशाएं हैं जिसमें आपको विशेष तौर पर, जो लोग बाहर से काम कर रहे हैं, विदेश से काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, ये लाभ का योग बन सकता है। ऐसे में आपको विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन आपको विशेष तौर पर जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का प्रयास करना है, ऐसे में बेकार के कामों में गुस्सा नहीं करना है, और अटेम्प्ट में ऐसा दिखाई दे सकता है कि या तो बहुत जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास करेंगे, और जल्दी का जो काम होता है हड़बड़ाहट का होता है, इस बात को समझें। कई बार क्या होता है कि विचार जल्दी आ रहे हैं और कार्य उस पर हो नहीं पा रहा है, इस प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना कर आप इस प्रभाव को, ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शून्य कर सकते हैं। भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर उनको शहद का भोग लगाइए,
माँ भगवती का स्नान शहद के द्वारा करवाना, ये बहुत दिव्य उपाय आपकी राशि के अनुसार से है, इसको आप करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा, विचारों में जो द्वंद्वात्मक स्थिति बनी है वो भी ठीक होगी, पुरुषार्थ के द्वारा बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे, आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपके लिए, आपको विशेष तौर पर कुछ खास जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए खास तौर पर ऐसा योग तो बनेगा विशेष तौर पर कि आप अपने परिवारजनों के जीवन साथी के सुख को पूरी तरह से भोग पाए, लेकिन आपके क्रोध के कारण से, जो अननेसेसरी क्रोध के कारण से उनमें कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले तो विचारों को शांत करने का प्रयास करना है आपको। ये जो योग है राहु का सूर्य के साथ, बृहस्पति का और विशेष तौर पर राहु के साथ गुरु चांडाल योग, ये आपके विचारों में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता है, अननेसेसरी क्रोध और ज्यादा एग्रीवेट करने का प्रयास करता है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में क्रोध को कहा गया है क्रोधा पुरुषस्य भूषणम, लेकिन भूषण बहुत ज्यादा धारण कर लोगे ना तो फिर कष्ट उत्पन्न कर देंगे, फिर वो आंखों में चुभने लगता है। एक लिमिट तक तो बहुत सुंदर लगेगा, अलंकृत करेगा, सुंदरता दिखाएगा, लेकिन यदि बियॉन्ड हो जाएगा तो यहां योग बन रहा है बियॉन्ड वाला। तो एक लेवल को समझते हुए काम करें कि गुस्सा दिखाएं, लेकिन ये नहीं कि गुस्सा अल्टीमेटली आपको ही खाना शुरू कर देगा, इस बात का भी ध्यान रखना। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो अपने विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये कष्ट आपको दे सकता है। एक मंत्र है भगवती का, ओम आईम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे, ये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार नित्यप्रति जप करना प्रयास कीजिए, देखिए इन सब पर विजय प्राप्त करने के योग बन पाएंगे, कष्ट दूर हो पाएंगे, अन्यथा ये ग्रहों का योगा योग जो है वो आपके लिए कष्ट उत्पन्न करने के योग दे रहा है। सावधानी के साथ इसको समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन दौलत देगा, परिवार में आगे बढ़ने के योग भी देगा, लेकिन केवल एक विचार, क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, आप परिवार का सहयोग करने का प्रयास कीजिए, अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा सब ग्रहों के परिवर्तन को आपकी दोस्ती नहीं तो अन्य सी दोस्तों के साथ भी ये द्वंद्वात्मक स्थिति, केवल आपका जो विचार, अपना विचार जो है, कोशिश करें दूसरों की बात सुनने का भी प्रयास कर लीजिए, ये भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो लोग आपको कहेंगे कि भैया, क्योंकि आपका अपना पेरिफेरियल जो है वही आपको फंसा रहा है, आप अपने से बाहर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोशिश ये कीजिए अपने से बाहर भी दुनिया को देखने का प्रयास कीजिए, आपके विचारों से बाहर भी बहुत लोग उन्नति कर रहे हैं, केवल आप ही उन्नति नहीं कर रहे हैं या आप ही नहीं गिर रहे हैं, दोनों स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। तो आपको इन सब चीजों को समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। हमने आपको एक हिंट के तौर पर यह समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि कुंभ राशि में विशेष तौर पर शनि का चलना, केवल आप अपनी दुनिया में सीमित ना हो, उससे भी बाहर निकलें और बहुत कुछ देखें। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोगों ने उन्नति भी की है और बहुत बहुत बड़े बड़े लोग गिरे भी हैं। तो इन सब चीजों को समझते हुए आप बुद्धि के अनुसार से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आपके जीवन में जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो बहुत अच्छे से भी आगे बढ़ा सकता है, और बुद्धि के अनुसार से उनको उपाय करके आप लाभ लेंगे तो बहुत सुंदर होगा। धन्यवाद।